सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो की, जो है उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है इंग्लिश में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो कौन कौन सी हुई, कब कब हुई, और उनसे जुड़े जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो कौन कौन से थे। आज हम पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। दोस्तों सीरीज वाइज चलेगा आपका जो ये पॉलिटिकल साइंस है आपकी, ठीक है। इसको हम थोड़े थोड़े पार्ट में करके पढ़ेंगे ताकि समझने में आपको कोई परेशानी ना हो और आप ऑब्जेक्टिव को आसानी से हल कर सको, ठीक है। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, किसके द्वारा लाया गया था, मैंने थोड़ा आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि ये कब लाया गया और किसके द्वारा लाया गया। तो आज हम शुरुआत करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की अंतिम बैठक, क्या बोल सकते हैं हम, अंतिम बैठक या चरण, ठीक है। कब हुई थी हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो हमने पिछली वीडियो पढ़ा था, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ये अंतिम बैठक हुई थी हमारी संविधान सभा की, ठीक है। उसी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये नाम मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आपका यहां से बन सकता है, प्रश्न बन सकता है कि दो तरह से लगा लो, दो तरह से प्रश्न बन सकता है। पहला कैसे, कि संविधान के किस चरण में, किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया, या फिर किसके द्वारा लाया गया, ठीक है। दोनों प्रश्न आपने आसानी से हल कर लेने हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की तीसरी, थर्ड बैठक में क्या है, यह लागू किया गया, ठीक है, सॉरी लाया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ मुख्य बिंदु आपने याद रखने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से मुख्य बिंदु है, किस वजह से लाया गया, और जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से ऐसे मुद्दे इसमें उठाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है दोस्तों, सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है। सबसे पहले क्या मांग की थी, कि जो देश में हमारे लोग हैं, जनता है, उनको सभी को क्या है, राजनीतिक न्याय मिलने चाहिए, आर्थिक सामाजिक सहायता मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, अभिव्यक्ति और सॉरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आगे हम आर्टिकल में विस्तार से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या, कौन कौन से आर्टिकल कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना एवं विश्वास, ठीक है, ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है। यानी कि कुछ मुद्दे जो जनता के हित में हो, जनता के हित में हो और सभी को इसका फायदा मिल सके, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे जवाहरलाल नेहरू जी ने उठाए थे उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दूसरा पॉइंट क्या रखा था, कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए क्या है, हितों की रक्षा करना, विशेष रूप से क्या है, यह मुद्दा इसी पॉइंट पे आके मुख्य बिंदु हो जाते हैं। यानी कि सबसे मेन पॉइंट क्या है, कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, हितों की रक्षा करना, किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव में यह रखा गया था, ठीक है। तो दो तीन पॉइंट आपने याद रखने हैं जहां से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आपको स्टेटमेंट भी दी जा सकती है कि निम्नलिखित में से क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव में से कौन से मुद्दे उठाए गए, ठीक है। तो आपने तीन चार पॉइंट आपने याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से बनेंगे आपके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में, अब इसका तात्पर्य क्या है, कि भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में उभरा, ठीक है, ये भी एक मुख्य बिंदु है उद्देश्य प्रस्ताव का। दोस्तों इसमें क्या कहा गया, कि अब भारत क्या है, अन्य किसी राष्ट्र पे क्या है, निर्भर नहीं है, क्या है, भारत अब क्या है, किसी अन्य राष्ट्र या किसी राष्ट्र पे क्या है, निर्भर नहीं है। अब भारत
एक स्वतंत्र राज्य है, क्या है? स्वतंत्र राज्य है। और भारत अब क्या है, आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या है, संचालन करने ये उनको चलाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। इसका मेन मोटिव यही है, ठीक है, कि भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में उभरा, ठीक है, वह अब किसी अन्य राज्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं है, ठीक है, वह एक स्वतंत्र राज्य बन चुका है और आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या है, संचालन के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव में, ये कब रखा गया था प्रस्ताव, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक के साथ, ठीक है, और इसको स्वीकार कब किया गया, उद्देश्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में दोस्तों सर्वसहमति के साथ 22 जनवरी 1947 को क्या है, सर्वसहमति के साथ स्वीकार कर लिया गया था और संविधान सभा में शामिल किया गया, ठीक है। इसी के साथ क्या है, हमें भारत को एक नई रूपरेखा मिली दोस्तों, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। यहीं से आगे टॉपिक चलेगा दोस्तों, ठीक है, भारत को एक नई आधारशिला या रूपरेखा मिली जिसको हम उद्देशिका प्रीएम्बल या प्रस्तावना बोल सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, उद्देशिका प्रस्तावना क्या है, ठीक है, और वहां से कौन कौन से आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी टॉपिक के साथ आज वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे प्रमुख समितियां कौन कौन सी बनी और उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे, बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ, बिल्कुल देसी भाषा में, ठीक है, भी सभी को याद हो सके, जहां भी आपको समिति से जुड़ा प्रश्न दिखे आप आराम से टिक कर सके, बड़े मजेदार ट्रिक के साथ क्या है टॉपिक को समझाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।